कई बार हमने खबरों में देखा है और सुना है कि किस तरह से आम आदमी को या बेकसूर आदमी को पुलिस ने झूठे केस में, फर्जी केस में फंसाया है, यहाँ तक कि उसे सालों तक जेल में भी रहना पड़ा है, जेल से रिहाई हुई है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला और वो आदमी बेकसूर था, यानी पुलिस ने उसे बेकसूर आदमी को झूठे केस में फंसाया था। अब एक ऐसा ही मामला आया है मुंबई के खार इलाके से, जहाँ पर पुलिस ने एक आम आदमी को, एक बेकसूर आदमी को फंसाने की कोशिश की है और ये केस जल्दी सिमट गया, जल्दी निपट गया क्योंकि सीसीटीवी के कैमरे में यह पूरा मामला कैद हो चुका था। खास बात यह है इस केस की कि यह केस फिल्म के एक दृश्य से बिल्कुल पूरी तरह से प्रेरित है, जिसे अगर आपने फिल्म वांटेड देखी होगी, सलमान खान की फिल्म, उसमें एक सीन है जहां सलमान खान बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वहां पर महेश मंजरेकर का जो पुलिस का किरदार है, पुलिस कॉप का, वो वहां जाते हैं और उसके जेब में अपने पास से एक ड्रग की पुड़िया रखकर सलमान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि वो फिल्म थी, फिल्म का सीन था, इसलिए उसे अलग तरीके से फिल्माया गया था। सलमान खान खुद उस्ताद थे और वही ड्रग की पुड़िया महेश मंजरेकर की जेब से निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप इस केस को, जो मुंबई के खार इलाके में हुआ है, उसके अगर आप तस्वीरों को देखें, सीसीटीवी फुटेज को देखें, तो एकदम सेम टू सेम नज़र आता है। जी हाँ, यहाँ पर भी पुलिस के कुछ लोग जाते हैं, मुंबई का जो खार पुलिस स्टेशन से, या यूँ कहे कि कलीना के इलाके में एक आदमी है जो बैठा है, उसे जाकर बुलाते हैं, उसे खड़ा करते हैं और उसकी तलाशी लेनी शुरू करते हैं। और तलाशी में आप तस्वीरों को अगर आप देखें, सीसीटीवी की तस्वीरों को, फ़ोटो को अगर आप देखें, तो एक पुलिस वाला जो उसकी जाँच कर रहा है, वो उस आदमी को जाँच करते हुए पीछे की तरफ जाता है, अपनी जेब से कुछ निकाल कर उसकी जेब में रखता है, वही है नशे की चीज़ें, और उसके बाद उस आदमी को पकड़ लेता है, उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता है। उसके बाद मामला खुलता है जब सीसीटीवी की फुटेज सामने आती है। इस फुटेज के आधार पर फिर उस आदमी को छोड़ा जाता है, क्योंकि तस्वीरें झूठ कभी नहीं बोलती, उस आदमी को छोड़ दिया जाता है और जो चार पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर, उनके खिलाफ जांच शुरू होती है और उनको तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर 30 अगस्त ची एक वीडियो वायरल झालेले होते, ज्यामध्ये चार इसम एक इसमांची अंग झडती घेताना दिसत होते। ते वीडियो आमच्याकडे चौकशीसाठी आलेले होते आणि जे चार इसम आहे ते खार पोलीसचे ऑफिसर आणि अमलदार निष्पन्न झालेले आहे आणि ते पोलीस पथकाने प्रचलित पोलीस कार्यपद्धती वापर नाही केल्यामुळे आणि तसेच त्यांचे संशयास्पद हालचालीमुळे आम्ही त्यांना सस्पेंड करण्यात आलेले आहे आणि पुढील चौकशी चालू। कई बार हमने खबरों में ये भी देखा है कि किस तरह से कोई अपराधी किसी फिल्म के सीन से प्रेरित होकर उसी तरह से कांड कर देता है या अपराध कर देता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा निकला और पुलिस ने फिल्म के सीन से प्रेरित होकर किसी बेगुनाह आदमी को फंसाने की कोशिश की। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।